बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न विद बुशरा विद एन अदर वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ रिलेटेड टू द गैस्ट्रुलेशन इन सी अर्चिन। सो ग्रैब योर नोटबुक्स एंड पेन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। दिस वीडियो इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव एंड गैस्ट्रुलेशन इन सी अर्चिन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ सी अर्चिन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि सी अर्चिन के अंदर गैस्ट्रुलेशन जैसे हमें पढ़ा है कि कैसे होती है। एक्चुअली सबसे पहले पे हमें ये पता होना चाहिए कि सी अर्चिन क्या होते हैं। सी अर्चिन आर टिपिकली स्पाइनी ग्लोबुलर एनिमल्स इकाइनोडर्म्स इन द क्लास इकाइनोडिया एंड द फाइलम इज इकाइनोडर्मेटा। सी अर्चिन मूव स्लोली क्रॉलिंग विद देयर ट्यूब फीट एंड समटाइम्स पुशिंग देमसेल्व्स विद देयर स्पाइन्स। They feed primarily on algae but also eat slow moving or sessile animals. So what are the sessile animals? You people know that sessile animals are those animals that cannot move, while the motile animals are those animals that can move. So simple is that. Next we will discuss the gastrulation process. What is the gastrulation process? पहले हम इसकी definition देख लेते हैं। Gastrulation is the process during which embryonic development that changes the embryo from the blastula with a single layer of cells to the gastrula containing multiple layers of cells. It typically involves the blastula folding in upon itself or dividing, which creates two layers of the cells. Organisms that do not form the third layer are known as the diploblastic organisms, while the organisms that form the third layer are known as the triploblastic organisms, and the echinoderms are the triploblastic. So स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको, मगर मैं आपको उर्दू में ट्रांसलेट करूं क्योंकि बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि ऑडियंस में कुछ जो है वो कहते हैं कि हमें उर्दू में ट्रांसलेट करें, उर्दू में लेक्चर दें, कुछ कहते हैं कि हमें इंग्लिश भी साथ बताया करें। तो पहले मैं इंग्लिश में सब कुछ बता देती हूं, उसके बाद मैं उर्दू में ट्रांसलेट कर देती हूँ ताकि आपको दोनों तरह से सुनने वाले जो ऑडियंस हैं मेरे या जो मेरे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको क्या हो, आसानी हो। ठीक है। तो गैस्ट्रुलेशन एक वो प्रोसेस है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर जब हमारे पास एक एग के अंदर क्लीवेज स्टार्ट होती है। क्लीवेज से हमारे पास सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स बनता है, उसको जो है 8 पहले बनेगा, फिर वो 16 सेल स्टेज पे आएगा, फिर वो 32 सेल स्टेज पर आएगा, 32 सेल स्टेज पर हम उसको मॉड्यूला बोलते हैं। मॉड्यूला से फिर हमारे पास ब्लास्ट्यूला बनेगा, जब कम्पैक्ट फॉर्म वो बन जाएगी। ब्लास्ट्यूला से फिर हमारे पास जो है वो जो कम्पैक्ट सेल्स होते हैं वो माइग्रेट करेंगे और लेयर्स फॉर्मेशन बना देंगे। अब अगर 2 लेयर्स बना रहे हैं तो वो हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे, अगर 3 लेयर्स बना रहे हैं तो वो हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे। और ऐसे स्टेज जो है वो हमारे पास गैस्ट्रुला स्टेज कहलाती है और ये जर्मिनल लेयर्स कहलाती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, जैसे आपको पता है। और हमारे पास ये जो प्रोसेस है इसको हम गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस जो है वो बोलते हैं। तो ये सारा वही चीज़ है जो हमने पहले जो है वो डिस्कस की हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने आपको दिखाई हुई है, ये ब्लास्ट्यूला है। ब्लास्ट्यूला के बाद देखिए आपको गैस्ट्रूला में 3 जर्मिनल लेयर्स नज़र आ रही हैं। एक्टोडर्म बाहर वाली लेयर होती है, एंडोडर्म अंदर वाली लेयर होती है, और जो है अंदर वाली, जो सबसे अंदर वाली होती है वो कौन सी होती है, एंडोडर्म। मीजोडर्म दरमियान वाली होती है और सबसे अंदर वाली होती है वो एंडोडर्म होती है। जो हमारे पास अंदर कैविटी बनाई हुई दिखा रहे हैं, दैट आर द एंचेंटरोन कैविटी। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं गैस्ट्रुलेशन इन सी अर्चिन। गैस्ट्रुलेशन इन सी अर्चिन embryo involves 2 separate morphogenetical processes, ingression of primary mesenchyme cells and invagination of the archenteron or the primitive gut. तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास 2 इम्पोर्टेंट प्रोसेस होते हैं गैस्ट्रुलेशन के अंदर। हम इसको बारी बारी पढ़ेंगे। लेट स्टार्ट फर्स्ट, दैट इज़ द इंग्रेशन ऑफ द प्राइमरी मेसेंकाइम सेल्स। Primary mesenchyme cells in sea urchin embryos emerge from the epithelium of the blastula wall and move into the blastocele in a process referred to as the ingression. Ingression cells are bottle-shaped with their basal end protruding into the blastocele and their apical end narrowed into the thin strand. So here is the sagittal plate on which the ingression प्राइमरी मेसेंकाइम सेल्स जो हैं वो क्या होते हैं, एपिथीलियम सेल से जो है ओरिजिनेट होते हैं और फिर वो ब्लास्टोसील के अंदर इन्वेजिनेट होने शुरू हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, इंग्रेशन का नाम देते हैं। सबसे पहले ये होगा नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, इनवेजिनेशन ऑफ द आर्चेंटेरोन कैविटी होगी। इनवेजिनेशन ऑफ द आर्चेंटेरोन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू स्टेजेस। द फर्स्ट स्टेज ऑफ द आर्चेंटेरोन इनवेजिनेशन एंड सेकंड एंड थर्ड स्टेज ऑफ द आर्चेंटेरोन इनवेजिनेशन। लेट्स रीड। First is the first stage of archenteron invagination. As the ring of the primary mesenchyme cells leaves the vegetal region of the blastocele, important changes जो हैं वो इसके अंदर होती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया है पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास जो है प्राइमरी सेल्स जो है वो इंग्रेशन के टाइम जो है वो अंदर की तरफ क्या होते हैं, माइग्रेट करते हैं। तो जब ये माइग्रेट करेंगे तो ये रिमेन बाउंड टू वन अनदर एंड टू द हाइलिन लेयर ऑफ द एग एंड दे मूव टू फिल द गैप्स कास्ट बाय द इंग्रेशन ऑफ द प्राइमरी मेसेंकाइम। Moreover, the vegetal plate bends inward and invaginates about 1/4 or 1/2 the way into the blastocele. एंड देन इनवेजिनेशन सडनली सीजीज। पहले वो क्या होगा, पहले एक दूसरे के साथ अटैच होकर हाइलिन लेयर तक पहुँचेंगे, फिर वो इनवर्ड मज़ीद जो है वो वेजिटल प्लेट फिर इनवर्ड मज़ीद बेंड होगी और 1/4 to 1/2 वे में जो है वो ब्लास्टोसील बना देगी। और फिर जब इनवेजिनेशन तब रुक जाएगी, फिर इनवेजिनेशन रीजन को हम क्या नाम देते हैं, आर्चेंटेरोन का नाम देते हैं। और ओपनिंग ऑफ द आर्चेंटेरोन जो है उसको हम ब्लास्टोपोर का नाम देते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये पूरी आपको एक अंदर की जो कैविटी है दैट इज़ आर्चेंटेरोन कैविटी, और ये जो आपको माउथ नज़र आ रहा है दैट आर द ब्लास्टोपोर। ओके, next second and third stages of the archenteron invagination. The invagination of the vegetal cells that occur in three discrete stages. After a brief pause, the second phase of the archenteron formation begins. During this time, the archenteron extends dramatically, sometimes tripling its length. In this process of the extension, ये आपने याद रखना है, second and third stages of archenteron invagination are extension phases. Okay, it is the process in which a long thin tube is formed, and to carry this extension the cells of the archenteron rearrange and migrate over one another themselves. एक दूसरे से ये क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ ये क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। ठीक है, ओके। देन हमारे पास जो है तीसरा प्रोसेस है, दिस फिनोमिना वेयर इन सेल्स इंटरक्लेट टू नैरो द टिश्यू एंड एट द सेम टाइम मूव इट फॉरवर्ड, इट इज़ कॉल्ड द कन्वर्जेंट एक्सटेंशन। वो फिनोमिना जब सेल जो हैं वो अंदर की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं, टिश्यूज़ की साइड ना देते हैं एंड एट द टाइम, और फिर वो आगे की तरफ मूव करते हैं, उसको हम कन्वर्जेंट एक्सटेंशन का नाम देते हैं। सेल डिवीजन कंटिन्यू होती है और मोर एंडोडर्मल एंड सेकेंडरी मेसेंकाइमल सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। फिलोपोडिया आर एक्सटेंडेड फ्रॉम दीज सेल्स थ्रू द ब्लास्टोसील फ्लूइड टू कॉन्ट्रैक्ट इनर सर्फेसिस। सो यहाँ पे आपने जो है एक और चीज़ याद रखनी है, वो ये है कि हमारे पास आर्चेंटेरोन कैविटी के टॉप पे जो है ब्लास्टोसील कैविटी जो है वो टारगेट रीजन पर पहुंचती है और सेकेंडरी मेसेंकाइमल सेल डिस्पर्स होने लग जाते हैं इस ब्लास्टोसील के अंदर, वेयर दे प्रोलिफरेट टू फॉर्म द मेसोडर्मल ऑर्गन्स। Where the archenteron contract wall, a mouth is eventually formed. The mouth fuses with the archenteron to create the continuously digestive tube. यहाँ पे आपने याद रखना है कि हमारे पास digestive tube जो है वो कब बनेगी, digestive tube तब बनेगी जब हमारे पास जो mouth है वो archenteron के साथ जो है वो क्या होगा, फ्यूज़ होगा, तब जाकर digestive tube बन जाएगी। So thus, as is the characteristic of the deuterostomes and blastopore marks the position of the animal. So यहाँ पर आपको एक बात इम्पोर्टेंट मैं आपको बताती चलूँ, एनिमल्स को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं उनको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, एक होते हैं प्रोटीरोस्टोम्स और दूसरे होते हैं ड्यूटीरोस्टोम्स। प्रोटीरोस्टोम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स और दोज ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स थ्रू विच द ब्लास्टोपोर further develop into a mouth. Okay, and the deuterostomes are those organisms from which the anus is derived from the blastopore. यहाँ पे बहुत important ये points हैं। तो जो प्रोटीरोस्टोम्स हैं उनके अंदर हमारे पास एनिलिडा फाइलम आ जाता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा एंड फाइलम जो है ये हमारे पास आ जाते हैं। एंड ड्यूटीरोस्टोम्स फाइलम्स इंक्लूड इकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोर्डेटा, ये हमारे पास सारे क्या हैं, ड्यूटीरोस्टोम्स हैं। ओके, नाउ लेट्स get overview of the gastrulation. Sea urchin gastrulation begins with the, अब यहाँ पे मैं आपको एक ही स्लाइड पे क्या बताऊँगी, सारा इनका जो है जो हमने पढ़ा है वो बताऊँगी. Sea urchin gastrulation begins with the ingression of the primary mesenchyme cells from the flattened epithelium at the vegetal pole of the embryo known as the vegetal plate. इंग्रेशन के बाद जो हमारे पास प्राइमोडियल सेल्स होते हैं वो फिर हमारे पास इन्वेजिनेट हो जाते हैं और हमारे पास सिलेंडर टाइप स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको हम आर्चेंटेरोन कैविटी का नाम देते हैं. उसके बाद सेकेंडरी मेसेंकाइम सेल जो है वो आर्चेंटेरोन कैविटी के और टॉप पे जो है पेयर होते हैं और यहाँ पर आर्चेंटेरोन बिगिंस टू एलोंगेट अक्रॉस द ब्लास्टोसील. देन यहाँ से ब्लास्टोसील कैविटी बन जाती है. आर्चेंटेरोन की टिप के ऊपर जो है वो एक्टोडर्म ये बना देता है. यहाँ से हमारे पास जो है फिर क्या बनता है, ब्लास्टोपोर बनता है. ब्लास्टोपोर जो है वो कहाँ से बनता है, आर्चेंटेरोन कैविटी से बनता है. एंड ब्लास्टोपोर एक्चुअली हमारे पास ओपनिंग है माउथ की. ओके यहाँ पे सारा प्रोसेस अगर हम स्केच देखें इसका, यहाँ पे आप देखिएगा कि सबसे पहले वेजिटल हेमिस्फीयर है, ये हमारे पास वेजिटल पोल पे वेजिटल हेमिस्फीयर बनेगी और ऊपर वाले एनिमल पोल पे एनिमल हेमिस्फीयर बनेगी. देन यहाँ पर आपको ये ओपनिंग नज़र आ रही है, इट इज़ नोन एज द ब्लास्टोपोर. एंड फ्रॉम द ब्लास्टोपोर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये इन्वेजिनेशन हो गई है. सेकेंडरी मेसेंकाइम, ये सेकेंडरी मेसेंकाइम है और यहाँ पे हमारे पास ये एक्टोडर्म है जो कि पहली लेयर होती है, ये हमारे पास एंडोडर्म है जो कि दूसरी लेयर होती है और ये आर्चेंटेरोन की अंदर वाली कैविटी आपको दिखाई जा रही है और ये प्राइमरी मेसेंकाइम है. तो ये इतना इजी सा था आज का जो टॉपिक था. तो ये हमारे पास, आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा. आप मेरी वीडियो को अगर लाइक करना भूल गए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम तक आप तक मिलता रहे. अपना ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. मिलते हैं अपनी एक और वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ बहुत जल्द. अल्लाह हाफिज़.